आपको हमारे टैक्स के पैसों से पगार मिलता है तो इसीलिए नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिलता। ऐसे सर पे आपका, आपको नहीं फड़ना है आपका फाइन। आपके पास चलान बुक नहीं है, आपके पास चलान। हाँ, कौन सा धंधा? खोटूच करिए, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग हियर। क्या नाम है भाई तुम्हारा? ओ भाई, ओ भाई, भाग मत। यहाँ आई जाओ। हाँ, आपका नाम क्या है भाई? ये भाई क्या करते थे यहाँ पे? हाँ, उस रिक्शा वाले को क्यों, उसको तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे? नहीं लिया मैंने। तुम्हारा काम क्या है? ओके, वो दो तीन वो खड़े थे, वो कहाँ पे गए? लोग यहाँ पे क्या करवाते हैं आपके पास? ये लोग आपके पास से पैसा लेते हैं? कितना पैसा लेते हैं? हर शनिवार का लेते हैं? ये लोग आपके पास से पैसा लेते हैं? दर शनिवार को 100 रुपया लेते हैं? ओके, 50 रुपया लेते हैं ना? ओके, यहाँ से मुझे 10 फोन आए आज के दिन में। हर शनिवार को आप शनिवार ही लेते हैं 50-100 रुपया। समझो, मेरे से गलत मत करना। और यहाँ पे सुनिए, अभी आप ये पैसा लेते। ओके, सुना, अब यहाँ पे आ जाओ। तुम यहाँ पे आओ। तुमने उस टेम्पो वाले को क्यों रोका? रोका क्यों? उसको नहीं पूछना है। मैंने आपको ये पूछा, आपका नाम क्या है? किरण भाई मारू नाम है। आपकी नेम प्लेट कहाँ पे है? बताई दो मैंने नेम प्लेट। किरण भाई मणिलाल। आपके डीसीपी कौन है आपके? मैं उनको फोन करता हूँ, उनको ही फोन कर देता हूँ। ओके, आपके डीसीपी कौन है? जोन 1 है जोन 2। नंबर बोलिए ना उनका। सुनिए, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया हूँ। सुनिए, आपका नाम क्या है? दिगंबर। आपका काम यहाँ पे क्या होता है? सुनो, 3 लोग खड़े थे, वीडियो है मेरे पास यहाँ पे, सभी चले गए। यहाँ पे शनिवार लेने का जो काम चलाते है ना, वो बंद कर देना। सुनिए, आप इनको वार्निंग समझे या फिर रिक्वेस्ट समझे या फिर कुछ भी समझे, सुनिए, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास एविडेंस भी है। हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं आज आयो, इससे पहले भी मैंने एक बार यहाँ पे बंद करवाया। हाँ, तो इस बार मैं दूसरी बार आया हूँ और आपको मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे शनिवार मत चलाइए, वरना मैं नहीं चलने दूंगा। समझ रहे? ओके, मैं यहाँ पे आया हूँ देवद नाके पे, ठीक है? मुझे 10 फोन आए यहाँ से, 10 फोन आए यहाँ पे कि यहाँ पे हफ्ताखोरी चलती है, ठीक है? इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हर शनिवार को यहाँ पे जितने भी टेम्पो चालक निकलते हैं ना, उनके पास से पैसे लिए जाते हैं, 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपया। और आज 10 फोन आए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 लोग और खड़े थे, वो चले गए यहाँ से। एक भाई था जो मेरे हाथ में आया, वो यहाँ पे खड़ा है। हाँ, कुतरा माटे आपने टेम्पो रोका? ओके, दे हैविंग ऑल काइंड ऑफ डिफेंस, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे आर टेकिंग ब्रीफ फ्रॉम एवरीवन। सुनिए, आपको हमारे टैक्स के पैसों से पगार मिलता है तो इसीलिए नहीं मिलता। खोटी बात कभी मेहुल बोगरा नहीं करता, याद रखिए। अगर मुझे 10 फोन, आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनना है मुझे, तो यहाँ से फोन आया वो सुनना है आपको? हाँ, ओके। हाँ, अधिकारी के साथ तो मैं बात करूंगा ही, वो करूंगा ही। ये गाड़ी किसकी है? सुनिए, अब आइए, आप है ना यहाँ चौकी के तो इंचार्ज आप है ना?
हाँ, ये गाड़ी किसकी है? आपकी गाड़ी है? इसमें ब्लैक कास्ट क्यों है? हाँ, पहले आपने बोला कि आपकी गाड़ी है, ये ब्लैक फिल्म नहीं है, ये आपको नहीं दिख रही है, ये ब्लैक फिल्म नहीं देख रही है? हाँ तो ब्लैक फिल्म है ना। ओके, देखिए नफ्फट आई की भी हद होती है, नफ्फट आई की भी। ओके, आपकी SSRP नंबर प्लेट कहाँ पे है? यहाँ पे SSRP नंबर प्लेट नहीं है। हाँ, इसका फाइन कौन भरेगा? इसकी SSRP। अरे टेम्पो वाला करके गए। हाँ, अभी दो टेम्पो वाला का इस लाइव में है, इस SSRP नंबर प्लेट का चलान करना है, वो बात है। ये जो गाड़ी है ना, उसमें SSRP नंबर प्लेट नहीं है। आपका अधिकारी का नंबर दीजिए ना, इसीलिए बोल। ओके, इसको बोलते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ब्लैक फिल्म दिख रही है गाड़ी में तो चलान नहीं फटेगा, SSRP नंबर प्लेट नहीं है, चलान नहीं फटेगा। ये जो अपने आपको गांव के लोग कहते हैं और चौकी में सब जाते हैं और आते हैं, और हमको क्या समझते हैं हमको पता नहीं। और ये कह रहे हैं कि ऊपरी, सुनिए अभी मैं आपसे बात की नहीं कर रहा हूं ना, मैं मेरा चला रहा हूं ना, तो आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। और इनका कहना यह है कि ऊपरी अधिकारी को कंप्लेन करो, लेकिन ऊपरी अधिकारी को क्या कंप्लेन करे? यहाँ पे तो सब ऐसा चल रहा है कि मिले सुर हमारा तुम्हारा, तो फिर सुर बने हमारा। जैसे इनके ऊपरी अधिकारी को तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे क्या चलता है। अगर मेहुल बोगरा को फोन आते हैं तो उनके ऊपरी को फोन नहीं आते, उनके ऊपरी को भी फोन आते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चलता है, हफ्ता राज है, शनिवार को शनिवार ही चलाते हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तीन लोग यहाँ से भाग के चले गए। कितने रुपया लेते हैं यहाँ पे? 50, हर शनिवार को लेते हैं ना। ओके, इनको सुनिए। अभी वो भाई बड़े सफाई दे रहे थे कि यहाँ पे पैसे नहीं लेते। हाँ, सबके पास से लेते, सुबह से शाम तक। सुबह से मुझे फोन आ रहे थे, 10 फोन आए तब मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मैं पहले काम में था, फिर वो फिनिश करके यहाँ पे आया। और अभी ये ईमानदारी जान रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो जो चार भागे यहाँ से वो क्यों भागे? वो आपको आपके ऊपरी जब आपके पास से सफाई मांगे ना, तो उनके दे देना, मुझे मत दो, ठीक है? आपको जब आपके ऊपरी सफाई मांगे ना, तब उनको देना, और सभी सफाई उनको ही दे देना। अब SSRP नंबर प्लेट नहीं है उसकी भी, काले कांच है उसकी भी। अभी DCP जोन 2 को हमने फोन लगाया। इनको फोन लगाया, रिंग हो रहा है। देखते हैं फोन उठा दे कि नहीं उठा दे। इन्होंने फोन नहीं उठाया, सुन रहे हो? अगर जनता को प्रॉब्लम है, कुछ काम में होगे क्या होगे हमको पता नहीं, लेकिन इन्होंने फोन नहीं उठाया। और मैंने जब भी DCP जोन 2 को फोन किया है ना, मेरा फोन कभी भी नहीं उठाया। क्या करना चाहते हैं मुझे पता नहीं। मेरा कहना सिर्फ यही है कि यहाँ पे मुझे जो फोन आते हैं ना, कि यहाँ पे शनिवारी ली जाती है, तो जब तक ली जाएगी ना, इन सभी को मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके जो भी ऊपरी है उनको हम फोन करेंगे। और एक बात, ये बेईमानों, ये हफ्ताखोरों को एक बात आपको कहनी है मुझे, कि जो 100, 200, 500 कमाते हैं ना मजदूरी करके, टेम्पो चला के, उनके पास से 50-100 लोगे ना, तो पैसा तुमको कभी भी शांति से सोने नहीं देगा, इतना याद रखना। ये बेईमानी का पैसा है, ये हराम का पैसा है, वो आपको कभी भी शांति से सोने भी नहीं देगा। और अगर शांति से नींद आ जाएगी ना, शांति से सो भी जाओगे ना, तो मैं सोने नहीं दूंगा, वो भी याद रखना। या तो शनिवारी बंद कर देना, हफ्ताखोरी बंद कर देना, वरना फिर वैसे ही अगले शनिवार को आऊंगा मैं यहाँ पे, और अगले शनिवार को आके यहाँ पे हफ्ताखोरी बंद करवाऊंगा, इतना याद रखना। जय हिंद, जय संविधान, धन्यवाद।